राजस्थान में एक और बेरोजगारी जो है वो टॉप पे है। आज पूरे भारत में राजस्थान ऐसा प्रांत है जो भ्रष्टाचार में भी नंबर वन है। राजस्थान में भ्रष्टाचार किस तरीके से ख़त्म किया जाए इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने अलेक्स साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया है, जिसमें निवेदन किया गया है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों में ऑडियो और वीडियो बनाने के लिए आम आदमी को कानूनी स्वीकृति दी जाए। दूसरा ये है कि जिस तरीके से पंजाब की सरकार ने करप्शन को ख़त्म करने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, उसी तरीके से जो है वो राजस्थान की सरकार भी एक टोल फ्री नंबर जारी करे। प्रत्येक सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए CCTV कैमरों की सुनिश्चितता की जाए। इसके अलावा जो भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है उस कर्मचारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रैप की कार्रवाई के दौरान, जैसे ट्रैप की कार्रवाई होती है, उस कर्मचारी को सरकारी सुविधाएं, जो सरकारी भत्ता दिया जाता है और जो उसको सैलरी दी जाती है, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा करप्शन के मामले में कर्मचारी जो है वो कानून की आड़ में अपने प्रकरण को लंबे समय तक जो लटकाते रहते हैं और ऐसी स्थिति में जो है भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो पाता है। तो हमारी एक मांग ये है कि जो भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकतम 2 साल का समय निर्धारित किया जाए, ताकि 2 साल में कोर्ट के जरिए जो भी फैसला आए, अगर वो बरी होता है तो सरकार उसको सम्मान जो है वो उसके सारे परिलाभ दें, और अगर वो बरी नहीं होता है तो तत्काल उसे जो है वो टर्मिनेट किया जाए। तो ये एक 11 सूत्रीय मांग पत्र है जो राजस्थान में फैले हुए भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा ये मांग की जा रही है। और आज राजस्थान में जो भ्रष्टाचार है वो उस दीमक की तरह है जो खड़ी हुई खेत में हरी फसल को भी ख़त्म कर देती है। इसी तरीके से राजस्थान का जो आम आदमी है वो भ्रष्टाचार से त्रस्त है, और किस तरीके से भ्रष्टाचार ख़त्म हो इसके लिए जो आम आदमी पार्टी ने 11 सूत्रीय मांग पत्र आज राज्य सरकार को भिजवाया है।